आपको पता है, सोकर उठी थी मैडम, मैंने कहा कि जरा सा आमना को संभाल लो, मैं जरा उसका फीडर बना दूं, जरा सा लिहाज नहीं उस औरत में। टका सा जवाब दे मुझे, सॉरी मुझे बच्चे संभालने नहीं आते। बस एक बात बताऊं, आमना से पहले तुम बच्चे संभाल लेती थी क्या? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतने छोटे से बच्चे थोड़ी देर के लिए संभाले जा सकते हैं। देखो, हर एक की अपनी तबीयत होती है, अपना मिजाज होता है, जब इसके अपने बच्चे होंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी जी जी, आप तो फेवर करेंगे ना अपनी प्यारी भाभी की। फाजिया नहीं नहीं इस घर में आई है, थोड़ा टाइम देगी, सबको समझेगी, हो जाएगा ना सब ठीक, बस तुम अपना बर्ताव उससे ठीक रखो। वो इतना मौका ही कब देती है हामिद। देखो तुम बड़ी बहू हो इस घर की, तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है। हाँ, अगर बड़ी बहू इस घर की तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर कोई मेरी गर्दन दबाता रहे। मेरा मतलब ये नहीं है, देखो बड़ी हो ना तुम तो तुम्हारे फराइज और तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, यानी फराइज ही फराइज निभाते रहे इस घर में, हकूक नाम की तो कोई चीज नहीं है ना। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर इसी तरह जलती रहोगी ना तो किसी का नुकसान नहीं होने वाला। तो पता है स्ट्रेस लेने से स्किन बूढ़ी हो जाती है, छाइयां पड़ जाती हैं, फूल जैसा चेहरा है तुम्हारा यार, मुरझा जाएगा, ऐसे मत करो। अच्छा देखूं तो सही, अभी तो नहीं पड़ी ना। अभी नहीं पड़ी। वैसे आप भी ना मेरा सारा गुस्सा मजाक में टाल दिया करें।